लेसन 133 कैन माय बिजनेस सक्सीड आपके लिए अवेलेबल है, सो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि उसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स में आपका है बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, ओके, वो चीज़ कैसे फाइंड करना है, वो चीज़ इसमें आपको लर्न कराया जाएगा। वैसे प्रीवियस लेसन में भी तो बताया गया था पर इसमें भी बताया जाएगा। द नेक्स्ट है ओके बिजनेस की क्या नीड्स होती हैं, जैसे मार्केट एरियाज में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उनमें क्या नीड्स एंड वॉन्ट्स हैं, वो चीज़ को जानना। आपकी कम्युनिटी का जो एरिया है उसमें जो भी मार्केट प्लेस पे चीज़ें क्या क्या वॉन्ट्स एंड नीड्स हैं उन पे फोकस किया जाएगा, वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कराई जाएंगी। ओके, देन नेक्स्ट आपको वीडियो वॉच आउट कराई जाएगी रामा देवी स्टोरी। ओके, वो स्टोरी आपको रीड कराई जाएगी, ठीक है, देन उसको वॉच आउट करना है, देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। ओके, हाउ रामा देवी यूज्ड एक्साइटिंग स्किल और नॉलेज टू स्टार्ट हर बिजनेस। ओके, एम्ब्रॉयडरी स्किल यानी जो स्टिचिंग स्किल है लर्न उसने अपनी मॉम से सीखी थी, वो चीज़ वीडियो देखने के बाद आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। मैंने ये स्टोरी पढ़ी नहीं है कभी, ठीक है, मैं अपडेट के अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। ओके, रीच आउट टू सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप सपोर्ट। ओके, देन नेक्स्ट आपका है व्हाट अपॉर्चुनिटीज डिड रामा देवी फाइंड इन द मार्केट। ओके, क्या जो नीड्स थे वॉन्ट्स थे मार्केट प्लेस पे वो रामा देवी ने फाइंड किए। ओके, ये चीज़ है। देन ओके, वेमेन विद स्किल एंड विलिंगनेस टू वर्क नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर, ये क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं या एक्सप्लेन करे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉट इनफ मनी बीइंग पेड टू आर्टिस्ट बाय मिडल मैन। सेकेंड है नॉट मैनी पीपल यूजिंग टेक्निक टू डिज़ाइन क्लोथ्स। ओके, कुछ जो पीपल्स होते हैं उनके पास इतनी टेक्निक्स नहीं होती है क्लोथ डिज़ाइन करने के लिए। ओके, पर फिर भी वो लोग अपने बिजनेस को एज अ सेटअप करते हैं देन सक्सेस होते हैं। सो ऐसे ये स्टोरी आपको वॉच आउट कराई जाएगी, इस पर हाईलाइट कराया जाएगा स्टोरी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। मुझे ये वीडियो मिलती है तो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा चेकआउट कर लिया कीजिए, आपके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, है ये चीज़ है। नेक्स्ट, एज अ ग्रुप में आपको डिवाइड किया जा सकता है। ओके, 7 to 8 मिनट आपको डिस्कशन करने को दिया जाएगा अबाउट द योर बिजनेस, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन आपको 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व आप कर सकते हो, कुछ भी सिचुएशन आती है ओके बिजनेस से रिगार्डिंग उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, वो चीज़ आपको आगे सिखाई जाएगी। ओके, वन प्रॉब्लम और नीड वो आप डिस्कस कर सकते हो इन अ FEM में, ठीक है, बाकी तो आपको फैसिलिटेटर गाइड करेंगे, देन एग्जांपल के तौर पे आपको गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईच ग्रुप देन पेरेंट्स द सॉरी प्रेजेंट है, मैंने रॉन्ग रीड किया, ईच ग्रुप देन प्रेजेंट द प्रॉब्लम दे डिस्कस। ओके, आपको आजा कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन को डिस्कस करना है ओके इन इंग्लिश में, और ये आज अ प्रेजेंटेशन होगा आपका FEM में। ओके, प्रेजेंटेशन हो सकता है तो प्लीज़ डिस्कस कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेसन में यही सारे अपडेट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे लेसन 133 में। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगे, अगर आपको लगता है यूजफुल आपके लिए सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक लेटर।